अगर मैं आपसे पूछूं कि समुद्र में रहने वाले खतरनाक जानवर के नाम बताओ तो ज्यादातर लोग शार्क, ऑक्टोपस, स्नेक और व्हेल का ही नाम बताते हैं। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप समुद्र के गहरे पानी में रहने वाले 5 खतरनाक जानवर के बारे में जानने वाले हैं। इन्हें देखकर हर कोई डर जाता है और कई लोग तो इन समुद्री जानवर के बारे में जानते भी नहीं होंगे। नंबर 1, बॉबिट वॉर्म। दोस्तों, आपने बारिश के बाद या फिर गीली जगहों पर अर्थवॉर्म को तो जरूर देखा ही होगा, जो कि काफी छोटे से होते हैं और इंसानों के पैर के नीचे हमेशा आ जाते हैं। लेकिन इससे मिलिए, इसका नाम है बॉबिट वॉर्म। आपने आज तक कभी ऐसा वॉर्म नहीं देखा होगा। इसकी बनावट काफी ज्यादा अलग होती है। ये अर्थवॉर्म की तरह छोटे नहीं होते हैं। इन बॉबिट वॉर्म की लंबाई 3 मीटर तक की हो सकती है। ये 400 फीट गहरे पानी में रहते हैं। ये समुद्र के बिल्कुल निचले स्थल पर अंडरग्राउंड होकर रहते हैं और शिकार के आने का इंतजार करते हैं। फिर जब कोई शिकार आता है तो ये वॉर्म उसे पकड़ लेता है और फिर मार देता है। ये अपने से बड़ी मछलियों को भी मारकर खा लेते हैं। ये होते तो छोटे से हैं, लेकिन इनकी हिम्मत और ताकत को देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। इसे आप छूने की कोशिश मत करना। ये बॉबिट वॉर्म डीप सी प्रीडेटर्स में गिने जाते हैं। नंबर 2, फैंग टूथ फिश। मेरे हिसाब से आपने इससे पहले इतनी डरावनी दिखने वाली मछली कभी नहीं देखी होगी। ये मछली 16,000 फीट गहरे पानी में रहती है। ये सिर्फ 6 इंचेस की होती है, लेकिन इससे कोई पंगा नहीं लेता है। इस मछली के दांत इतने बड़े होते हैं कि ये अपना मुंह को पूरा बंद भी नहीं कर पाती है। इस मछली से कोई जानवर दोस्ती भी नहीं करना चाहता है, क्योंकि ये सिर्फ हमला करती है। फैंगटूथ फिश मछली को देखते ही सिर्फ उसे अपना शिकार समझती है। इतने गहरे पानी में रहने की वजह से इस मछली के आसपास बहुत ही कम मछली और जानवर होते हैं। लेकिन अगर कोई होता भी है तो सारी मछलियाँ और जानवर इस फैंगटूथ फिश से दूर रहना ही पसंद करते हैं, क्योंकि कोई इसका शिकार बनना नहीं चाहता। नंबर 3, एलियन क्रिएचर। तो मिलिए इस अजीब से दिखने वाले जानवर से। इसका नाम है जायंट स्क्विड और ये 3,600 फीट गहरे पानी में पाई जाती हैं। इसकी बनावट ऑक्टोपस से भी काफी ज्यादा मिलती जुलती है। इस अजीब से दिखने वाले जानवर के ऊपर काफी सारे रिसर्च भी करे गए हैं। इसकी लंबाई 3 मीटर तक की होती है और कुछ रेयर स्क्विड की लंबाई तो 20 मीटर तक की हो सकती है। लेकिन अब जरा इस फोटो को देखिए, ये कोई फोटोशॉप्ड इमेज नहीं है। ये फोटो न्यूजीलैंड की है, जहाँ पर बीच के पास ये विशालकाय स्क्विड आ पहुंची। इसे डैनियल एप्रिन डाइवर्स ने सबसे पहले देखा था, पर ये मरी हुई थी। जैसे ही ये फोटो फैलने लगी तो लोग तो इसे एलियन बोलने लगे थे, लेकिन ये एक 5 मीटर लंबी स्क्विड थी, जो ना जाने ऐसे बीच के पास कैसे आ गई। लेकिन इसका आकार 2 इंसान के बराबर था। दोस्तों, नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि अगर आप इस क्रिएचर को सबसे पहले देखते तो आप इसे क्या बोलते, एलियन या फिर कुछ और। नंबर 4, गॉबलिन शार्क। यह है शार्क प्रजाति की सबसे खतरनाक और सबसे रेयर शार्क। ये 4,200 फीट गहरे पानी में पाई जाती है। इस शार्क की लंबाई 10 से 13 फीट की होती है और आज इस शार्क को देख पाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि अब ये ज्यादातर खत्म हो चुकी हैं। ये शार्क जापान में पाई जाती है। इसे क्रीपी क्रिएचर बोलना भी गलत नहीं होगा। जब ये हमला करती हैं तो इनका जबड़ा ही बाहर आ जाता है, जो इसे दिखने में और भी ज्यादा डरावनी बना देती है। नंबर 5, डीप सी आइसोपॉड। इसके नाम से ही आपको समझ आ गया होगा कि ये गहरे पानी में रहने वाला जीव है। इसे जायंट आइसोपॉड बोला जाता है। इस जानवर की बॉडी डिजाइन और बनावट की बात करें तो ये काफी अनोखा है। ये सी सरफेस यानी कि बिल्कुल निचले स्थल में रहता है। ये जायंट आइसोपॉड 1,000 से 7,000 फीट गहरे पानी में रहते हैं। पर दुख की बात तो ये है कि ये जानवर को दुनिया की कई जगहों में खाया जाता है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर कीजिए और इन्फो अनलॉक्ड को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए।